आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स में आप वे प्रोटीन भी काफी अच्छी क्वांटिटी में ले रहे हैं, बट रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ पा रहे हैं जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चाहे आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का या इंपोर्टेड ब्रांड का वे प्रोटीन यूज कर रहे हैं, आपको मालूम है कि आप जिस तरीके से वे प्रोटीन ले रहे हैं वो तरीका शायद सही नहीं है उसको लेने का, और अपना वे प्रोटीन आप खराब कर रहे हैं या तो, या फिर उसका मैक्सिमम बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। तो क्या है सही तरीका वे प्रोटीन को लेने का, और किस तरीके से वे प्रोटीन की जो प्रॉपर यूसेज है बॉडी में वो खराब हो सकती है, ये सारी डिटेल आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और मिलेंगे आप सब लोगों से ब्रेक के बाद। हेलो फ्रेंड्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा आपने इंट्रो में सुना होगा या आपने टॉपिक में पढ़ा होगा कि आज हम वे प्रोटीन या उसको आप कैसे खराब कर देते हैं, सही नॉलेज ना होने की वजह से उसको ढंग से यूज नहीं कर पाते हैं, या उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है या उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे आपको नहीं मिल पाते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम लोग कैसे खराब करते हैं इस बारे में बात करें, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वे प्रोटीन होता क्या है। वे प्रोटीन आपका मिल्क से निकाला जाता है। अगर आपने घर में देखा होगा अपनी मदर को या अपने फैमिली में एल्डर्स को पनीर बनाते हुए, तो जो पनीर निकालने के बाद पानी बचता है उसको कंसंट्रेट करके, उसको उसकी स्ट्रेंथ को कंसंट्रेट करके जो पाउडर बनाया जाता है उसको वे प्रोटीन बोलते हैं। उस पानी को कभी भी ना फेंके, पहली बात, वो पानी बहुत हेल्दी है और उसको आप हमेशा यूज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन। दूसरी बात कि वे प्रोटीन लिया क्यों जाता है। वे प्रोटीन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आप वेट लॉस में, वेट गेन में, मसल बिल्डिंग में, लीन मास गेन में, हर चीज में यूज करते हैं, और एक सबसे सेफेस्ट और टाइम टेस्टेड सप्लीमेंट है जो कि हमारी वर्कआउट करते हुए सप्लीमेंट स्टैक में सबसे पहले यूज किया जाता है। मगर वे प्रोटीन के साथ हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको गलत तरीके से यूज करते हैं या हमें पता नहीं होता है कि इसको कैसे यूज करना है, जिसकी वजह से हम लोग इसके रिजल्ट्स नहीं पा पाते हैं। स्पेशली जो इम्पोर्टेड ब्रांड्स हैं जो इंडिया में या आपके इम्पोर्ट होकर आते हैं यूएस से या अलग यूरोपियन कंट्रीज से, वो बहुत महंगे मिलते हैं बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज एंड ऑल दोज थिंग्स, जिनकी वजह से आपको पर स्कूप 100 रुपीज से ऊपर का पड़ता है। लेकिन अगर अच्छे रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं, आप उससे मैक्सिमम रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं, तो आई एम सॉरी टू से कि आप अपना पैसा खराब कर रहे हैं वे प्रोटीन के नाम पे। तो वे प्रोटीन को हमारी बॉडी में लेने का मेन पर्पस ये होता है कि इससे आपकी बॉडी को जल्दी रिकवरी मिले और आपकी जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस है, जो आपने मसल्स को डैमेज किया है जिम में जाके एक्सरसाइज करके, आपने मसल टिश्यूज को ब्रेक डाउन किया है, उसमें रिकवरी की प्रोसेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो। तो जैसे ही आप वे प्रोटीन लेते हैं अपना वर्कआउट के बाद, तो वो आपके बॉडी के एनाबॉलिज्म को स्टार्ट कर देता है। तो पहली गलती जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपने वे प्रोटीन का जो विंडो पीरियड है, जो कि जिम में वर्कआउट करने के बाद में 30 मिनट्स के अराउंड होता है, उसमें अपना प्रोटीन नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी का एनाबॉलिज्म का विंडो पीरियड जिसको हम मैक्सिमाइज यूज कर सकते हैं वो कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा अक्सर जो जिम में अच्छे वर्कआउट करने वाले लोग हैं या प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, वो अपने जिम बैग के अंदर हमेशा अपना वे प्रोटीन कैरी करके ले जाते हैं और जिम में एक्सरसाइज खत्म करने के बाद विद इन फ्यू मिनट्स वो ले लेते हैं। तो पहली गलती, आप वे प्रोटीन जब ले रहे हैं तो उसको विद इन 20 to 30 मिनट्स में अपने वर्कआउट के बाद ले लें, ताकि आपकी बॉडी उसको जल्दी अब्जॉर्ब करके एनाबॉलिज्म फेज के अंदर आ सके। दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ी गलती है और मैंने अक्सर देखा है लोगों को जिम के अंदर करते हुए, स्पेशली जो एमेच्योर्स हैं, जो जिनको नॉलेज नहीं है, वो अपने वे प्रोटीन के अंदर मिल्क मिलाते हैं, या फिर कई बार उसमें मिल्क और पानी दोनों मिक्स करके मिलाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। असली पर्पस जो है वे प्रोटीन का हमारी बॉडी के अंदर ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जल्दी से जल्दी अब्जॉर्ब हो, और आप जब मिल्क ले रहे हैं उसमें फैट कंटेंट होता है काफी अच्छा खासा, उसमें केसीन और वे दोनों होते हैं, और ये जब दोनों चीजें केसीन और फैट कंटेंट आपके वे प्रोटीन से मिलती है, जो कि आप
सप्लीमेंट के बॉक्स से डाल रहे हैं अपने स्कूप से अपने शेकर के अंदर या अपने ब्लेंडर के अंदर, अगर उसके साथ में ये फैट्स और केसिन मिक्स होते हैं तो ये उसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी में डिले कर देते हैं, जबकि एक्सरसाइज के इमीडिएटली बाद हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हमारी बॉडी को फास्ट मिले, जल्दी मिले प्रोटीन। तो ये एक बड़ी गलती है, कभी भी अपने प्रोटीन को जो वर्कआउट के बाद आप ले रहे हैं उसको कभी भी दूध में ना मिलाएं, कभी भी उसके साथ में पानी के अलावा कुछ और ना मिलाएं, इसको सिंपल प्लेन वाटर में लें। और इसके बाद एक और गलती लोग करते हैं कि प्रोटीन के अंदर पानी बहुत कम डालते हैं ताकि फ्लेवर अच्छा रहे। हमेशा याद रखिए कि अगर आपने बहुत कम पानी डाला है उसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो बहुत कंसंट्रेटेड होगा और बॉडी को अब्जॉर्ब करने में दोबारा टाइम लगेगा। एक स्कूप प्रोटीन के पाउडर के अंदर आप एटलीस्ट 200 ml पानी डालिए ताकि उसकी कंसिस्टेंसी उस लेवल की रहे कि वो बॉडी में आपके स्टमक में जाके इजीली सिस्टम में आए, जल्दी आए। तो ये तीन गलतियां आप बिल्कुल ना करें ताकि आप अपने वे प्रोटीन का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें और आपके जो पैसे हैं उसको आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू ले सकें। अगर आप सुबह अपने वर्क अपने डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर आप जो है हैवी मील ले रहे हैं उसमें दूध के साथ मिला के कोई शेक मिला रहे हैं वेट गेन वगैरह के लिए, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और केसीन आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और आपको एक ऐसा प्रोटीन चाहिए, अगर आप मसल बिल्डिंग साइकिल पे हैं या बहुत स्ट्रांग साइकिल या शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं और आपको रात को उठ के खाना खाना मतलब कि परेशानी होती है, क्योंकि जो लोग बॉडी बिल्डर या प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं वो उनको रात को उठ के भी एक मील लेनी पड़ती है, तो वो उनका एक ऑल्टरनेटिव होता है कि वो केसीन लें, क्योंकि केसीन जो होता है वो बॉडी में 6 to 8 hours में अब्जॉर्ब होता है। जिन लोगों के पास केसीन अफोर्ड करने के पैसे नहीं होते वो बीच में उठते हैं जिसकी वजह से उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है और बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की जो साइकिल होती है वो डिस्टर्ब होती है। तो एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज का नुकसान होता है, तो उसका इजी तोड़ ये गलती है इसलिए इसमें। तो अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर एक लॉन्ग लास्टिंग सस्टेन्ड केसीन चाहिए, स्पेशली वाइल एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, जब आप एक हाई एक्सट्रीम लेवल मसल बिल्डिंग प्रिपरेशन पे हैं या आप एक एक्सट्रीम शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, तो उस टाइम में ये जो हैक है ये आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज केसीन मार्केट में वे प्रोटीन के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स लेके 2 टाइम्स महंगा होता है। तो रात को सोने से पहले आप वे प्रोटीन को मिल्क में मिला के ले सकते हैं जिससे कि ये बॉडी के अंदर सस्टेनली रिलीज हो, धीरे धीरे रिलीज हो। तो आज मैंने आपको बताया कि वे प्रोटीन का आप मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ जो वेस्ट आप कर देते हैं या जिसको खराब कर देते हैं वो तरीका आप ढंग से कैसे यूज करके उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं वो भी बताया। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स आपके लिए मैं लाता रहता हूं और लाता रहूंगा। आप प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टिल द टाइम वी कम बैक अगेन, फील द पावर।